जहरीली शराब से हो रही मौतों पर भाजपा मंत्री ने प्रशासन को दिया करारा जवाब। महिला सम्मेलन समारोह कार्यक्रम में पहुंची जहां मुस्लिम महिलाओं व गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव वसीम खान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रुमाना सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का गुणगान किया। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराब पीने से हो रही बेगुनाह लोगों की मौतों के सवाल पर अल्पसंख्यक आयोग व भारतीय जनता पार्टी की दर्जा प्राप्त मंत्री रुमाना सिद्दीकी ने कहा है कि मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब से। देखिए, ये तो बात वो है कि योगी जी की गलती है उसमें, ये तो जो शराब बना रहा है उसकी गलती है। ये जरूर है कि प्रशासन को पता होगा कि कहाँ पे शराब बन रही है, तो ये मैं प्रशासन को कहूँगी कि उसको देखना चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए कि जिसने ये शराब, कच्ची शराब बनाई है, जैसी भी खराब शराब बनाई है। नहीं, लोगों की आलोचना, लोगों की आलोचना ये है कि आलोचना, मैं यही कह रही हूँ ना, आलोचना योगी जी के लिए क्यों है? योगी जी ने थोड़ी कहा है कि शराब बनाई है, ये तो प्रशासन का काम है कि उनके क्षेत्र में क्या खराब हो रहा उसको वो पकड़े और देखे कि इस तरह की शराब ना बिके जिससे कि जो है जनता इसको पिए और उनका मतलब कि ऐसे हालात हो सके कि वो खत्म हो। ये सबसे पहले तो मैं प्रशासन को वो करूँगी कि ये इस चीज़ पर उनको, और मैं अपनी सरकार को कहूँगी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। DM को, SSP को देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए। सारी समस्याओं का हल करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो मेरे लोग जुड़े हैं वो लोग को मैं मदद करूँ, उन लोगों की मदद करूँ और उनको हर रंग का जो मुझसे हो सके मैं उनका काम करूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री जी का काम है, वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि 90 योजनाएं दी हैं जो गरीब तबके के लिए हैं। आप किसी कैफे वाले के यहाँ जाइए और जाकर आप उससे पूछिए कि आपसे पहले की सरकारें क्या काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या काम कर रही है।